चाहे चीन को आंख दिखानी हो या आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना हो, ये दोनों चीजें बगैर हिंदुस्तान के नहीं हो सकती और अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है। चीन की चुनौती से निपटने को जुटे चार बड़े देश। बाइडेन ने संकेत दिया है कि वो भी चीन के खिलाफ हैं। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति बदलेगा लेकिन नीतियां नहीं। एक तरफ है मौजूदा रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरी तरफ है नव निर्वाचित डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन। सवाल था नई सरकार के साथ कैसे होंगे भारत के रिश्ते। ऐसे में पीएम मोदी और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत से साफ है कि सरकार बदली है लेकिन भारत अमेरिका के रिश्ते नहीं बदले हैं। पीएम मोदी ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन पर बधाई दी। हमने भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने फोन पर बात की, उससे कुछ ही घंटे पहले उत्तरी अरब सागर में भारत अमेरिका के युद्ध पोतों के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्ध पोतों ने मालाबार 2020 के दूसरे चरण में हिस्सा लिया है, जिसके अघोषित निशाने पर चीन ही है। प्रशांत महासागर में सहयोग की बात कहकर बाइडेन ने संकेत दे दिया है कि चीन के खिलाफ वो सख्त रहेंगे और चीन को काबू में करने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। एज ए व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बदल सकते हैं लेकिन अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक रणनीति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव आएगा। अमेरिका और हिंदुस्तान का कॉमन दुश्मन है चीन। चीन ने अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था को काफी डैमेज किया है, काफी क्षति पहुंचाई है। चीन हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोनों का दुश्मन है चीन, इसलिए हम दोनों नेचुरल एलाई हैं।